Rajneesh Singh, a Delhi-based artist, graduated with a BFA from the Burdwan University and MFA from Khairagarh University. His artistic journey is punctuated with notable achievements, including the Praful Dhanukar Kalakand City Award and Junior Fellowship from the Ministry of Culture. His artworks have been prominently displayed in numerous group and solo exhibitions across India. Rajneesh's active involvement in art exhibitions and camps underscores his commitment and talent in the art community. मैं शुरू करूंगा केदारनाथ सिंह की एक कविता से जिसका शीर्षक है देश और घर। हिंदी मेरा देश है, भोजपुरी मेरा घर। घर से निकलता हूं तो चला जाता हूं देश में, देश से छुट्टी मिलती है तो लौट आता हूं घर। इसी आवाजाही में कई बार घर में चला आता है देश, देश में कई बार छूट जाता है घर। मैं दोनों को प्यार करता हूँ और देखिए ना मेरी मुश्किल, पिछले 60 वर्षों से दोनों को दोनों में खोज रहा हूँ। तो मैं भी पिछले 12 वर्षों से इसी तरह से, जब से घर से बाहर हूँ, कला के क्षेत्र में हूँ, तब से मैं भी इसी तरह से ढूंढ रहा हूँ। तो मेरी कला यात्रा की शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे मामा हैं विद्यासागर सिंह, जो कि वो भी पेंटिंग करते हैं, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। मैं जब 11th या 12th में था तो मैं थोड़ा नाटक की तरफ ज़्यादा झुकाव था मेरा, मैं नाटक करता था, ड्राइंग्स करता था और थोड़ा इन सब चीज़ों में एक्टिविटीज़ मेरा ज़्यादा रहता था। तो उन्होंने देखा तो उनको लगा कि हाँ, ये शायद आगे इसमें कुछ कर सकता है। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया BFA जैसा कोर्स से कि तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम ड्राइंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। क्योंकि हम छोटे शहर के लड़के थे, गांव के लड़के थे, तो हमें इसके बारे में नहीं पता था कि आर्ट में भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं आगे। तो उन्होंने एक बताया और हमने एक सपने की तरह लिया, अच्छा हमें बाहर जाने को मिलेगा, हम कलकत्ता जैसी जगह घूमेंगे और ये सारी चीज़ें, वहाँ पर रह के पेंटिंग करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो एक सारी चीज़ें होती हैं। तो एक मैंने भी सपना देखा, उन्होंने बताया, उसके बाद मैं बाहर निकला, कलकत्ता आया, शांति निकेतन घूमा, उसके बाद मैं वर्धमान आर्ट कॉलेज में, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तब जाके धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि पेंटिंग क्या होता है, कैनवास क्या होता है, कलर्स अलग अलग क्या होते हैं। हम तो ड्राइंग करते थे लेकिन इतना सब कुछ नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें होती हैं। कलर्स के नाम इतने अलग अलग होते हैं, मैं तो कलर्स के नाम सुन के हो गया कि अच्छा, इतने सारे वैरायटीज़ होते हैं कलर्स में, इतने कैनवास होते हैं, कपड़े पे काम होता है। लेकिन धीरे 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 मैं BFA किया वहाँ से। BFA में मैंने अलग अलग सब्जेक्ट पे काम किया। फर्स्ट तो मैंने वाटर कलर ये सब चीज़ें सीखी, बाहर गया, देखा, घूमा। लेकिन एक समय के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि पेंटिंग एक्चुअली क्या चीज़ होती है और कैसे क्या करना है। उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए बाहर जगह बदली, वेस्ट बंगाल से बाहर आया और छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने अपना मास्टर्स किया। और उसके बाद से वहाँ पे मास्टर्स में एक अलग चैलेंज रहा मेरे साथ। BFA में एक अलग चैलेंज था, मास्टर्स में एक अलग चैलेंज था। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स करने के बाद मैं दिल्ली की तरफ आया और पिछले 7-8 सालों से मैं दिल्ली में ही कार्य कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट, स्वतंत्र कलाकार के रूप में। जब मैं BFA में था तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तो एक तरह से स्टडी वर्क करना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो हमने सीखा ये सारी चीज़ें आउटडोर वगैरह। लेकिन आफ्टर देन मैंने एक सब्जेक्ट पकड़ा, लेबर कम्युनिटी के ऊपर मैंने काम किया वहाँ पे रह के। और वहाँ पे अलग अलग, जहाँ पे मैं था वहाँ पे जो कॉलेज था वहाँ पे एक मार्केट था जिसका नाम था गुड़पट्टी। वहाँ पे अलग अलग जगह से लेबर्स आके रहते थे और काम करते थे। तो वहाँ पे गुड़ का कंटेनर आता था और उससे उस चीज़ से उनका जीवन यापन चलता था। वो कंटेनर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था उनके जीवन में। तो मैं वहाँ पे जाके स्केच करता था, ये सारी चीज़ें करता था। तो उनके साथ जब उठना बैठना हुआ मेरा तो मुझे लगा कि ये कंटेनर इनके लिए कितना ही महत्वपूर्ण योगदान है इनके जीवन में, इनके लिए कितना महत्व रखता है। तो मैं उनके साथ बैठते बैठते कंटेनर्स पे मैंने 3 साल काम किया, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री, कुछ मूवीज़ बनाई, उनके जो चैलेंजेस है लाइफ में उनको समझा और कंटेनर के थ्रू उनके जर्नी को दिखाया।
उसके बाद ये करते करते मेरा बैचलर ख़त्म हो गया और मैं, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं वेस्ट बंगाल से बाहर निकलूं और कहीं बाहर जाऊं, तो मैं छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मुझे दाखिला मिला मास्टर्स में। और वहाँ जाते ही जैसे कि यहाँ पे मैं एक सिटी में था और वो थोड़ा सा गांव वाला एरिया था, तो पूरा लैंडस्केप बदल गया, हर एक चीज़ बदल गया। क्योंकि मैं जब यहाँ रहता था तो लोगों के बीच में था, जो काम कर रहा था कंटेनर उसके बीच में था, लेकिन जब मैं, मेरी जगह चेंज हुई तो लैंडस्केप चेंज हुआ, यहाँ पे बांग्ला भाषा था, बोली बदल गई, खाना बदल गया, हर एक चीज़ बदल गया। तो फिर मैं वहाँ पे जाके भी कुछ महीने तक कंटेनर पे काम किया, लेकिन वो वाला भाव नहीं आ रहा था, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी कि अच्छा यार वहाँ पे तो मैं उनके बीच में रह के वो मेरे सराउंडिंग था, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मैं बनावटी कर रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा अभी मुझे यहाँ की चीज़ों को समझना चाहिए। फिर मैंने वहाँ पे रहते हुए कंटेनर्स को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया और वहाँ का जो लैंडस्केप था, लाल मिट्टी, वहाँ का जो गांव का वातावरण, वहाँ की बोली भाषा, ये सब चीज़ें, तो उसको लेके मैं काम करना शुरू किया और बहुत सारे काम किए उसमें, लैंडस्केप किए और कुछ अलग फिगरेटिव काम किया। लेकिन उसके बाद अभी मैं समझ ही रहा था, 2 साल मेरा बीत गया, मास्टर्स कंप्लीट हो गया और फिर मुझे लगा कि अब मुझे दिल्ली जाना चाहिए और मैं दिल्ली आया। दिल्ली आया तो क्योंकि फिर पहले मैं वर्धमान में था वेस्ट बंगाल में, फिर मैं छत्तीसगढ़ आया, दिल्ली आया तो फिर अचानक से एकदम से परिवर्तन सा लगा कि अरे ये तो एक अलग ही शहर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी यहीं पे थी, गैलरीज हैं, लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने अपना सोचा काम करने का। फिर मैं गोगी सरोज पाल हैं उनसे मैं मिला, वो मुझसे बोली कि तुम एक काम करो गढ़ी आ जाओ। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो मुझे गढ़ी बुलाई मिलने के लिए और फिर मुझे गढ़ी, पहली बार मैं गढ़ी में गया तो मुझे लगा अच्छा यार ये एक जगह है जहाँ पे मैं रह के काम कर सकता हूँ, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो फिर गोगी मैम की वजह से मैं गढ़ी में मुझे एडमिशन मिला और मैं वहाँ पर रह के 1-2 साल काम किया। और फिर यहाँ पर रहते रहते मैं बहुत सारे आर्टिस्टों से मिला, जैसे फिर कहीं जगह जाना, गैलरीज में जाना, कहीं पे कविता पाठ हो रहा है तो वहाँ पे जाना और उनसे बात करना कि काम क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि जब मैं बीएफए में था तो एक अलग तरीके का काम कर रहा था, मास्टर्स में था तो थोड़ा पकड़ा, लेकिन जब दिल्ली जैसी जगह पे आया तो फिर क्या करना है, कैसे करना, एक नया चैलेंज आ रहा था। तो फिर मैं और लोगों से मिला, रजा फाउंडेशन का एक वो है तो वहाँ पे बहुत सारे कविता पाठ वगैरह होते थे, शोज वगैरह होते थे तो वहाँ पे जाता था। तो धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा कि अब मुझे अपने रूट्स की तरफ वापस जाना चाहिए जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ अगर आगे बढ़ना है तो मैं, लेकिन कैसे करूँ, क्या करूँ, मीडियम क्या होगा। तो फिर मुझे ना एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ कि शायद मैं एब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन में एंट्री हुई और मैं अपने गांव की तरफ गया, वहाँ के रूट्स, वहाँ के जो वेदर होते हैं, किस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है आजकल, वहाँ के गीत, दादी अम्मा नानी का क्या सब चीज़ है, कि उनके जो गीत होते हैं ना उनको मैंने ऑब्जर्व, मतलब देखना शुरू किया कि अच्छा ये ऐसे गा रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको मैं अपने चित्रों में कैसे लाऊं। तो ये प्रयास रहा और करते 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 वही कोशिश है कि इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो अभी मैं एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
पर्सनली मेरे जीवन में मेरे कला पे जो एक तरह से योगदान रहा मेरी माँ का रहा, जो हर समय मेरे लिए खड़ी रही और हमेशा मुझे एक प्रोत्साहित करती रहती हैं हर एक चीज़ में। अगर मैं थोड़ा लो फील करता हूँ, नहीं तुम करो, तुम कर सकते हो, तो ये मेरे लिए और मेरा परिवार, मेरे भाई सभी लोग, तो ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ही हिम्मत देने वाला काम करता है कि हाँ चलो यार मैं कर लेता हूँ। उसके बाद से प्रोफेशनली देखा जाए तो जैसे मैं जब दिल्ली आया तो ललित कला एकेडमी में मैंने पहला सोलो किया अपना, वो मुझे बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पांस मिला था। उसके बाद दूसरा सोलो हुआ राजा फाउंडेशन द्वारा, जो मुझे मिला कि राजा फाउंडेशन के योगदान से मेरा सोलो शो हुआ त्रिवेणी कला संगम में, तो उससे मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और मिली कि हाँ तुम और क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या विचार सकते हो, तो बहुत सारे लोगों से कनेक्शन बना। तो उसकी वजह से फिर जूनियर फेलोशिप मिला, तो उस पर वो सारी चीज़ें चल रही हैं, राष्ट्रीय प्रदर्शनी, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल मिला के हिम्मत देता है कि हाँ आप काम करते रहो, सारी चीज़ें होती रहेंगी। सबसे पहले तो मेरे काम में जो एक इन्फ्लुएंस है वो मेरे पिता का है, कि वो जिस तरह से उन्होंने जो हिम्मत दिया मुझे काम करने का कि हाँ जीवन में, तो उसको मैं आज अपने काम में मतलब यूज कर पाता हूँ। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो एक कलाकार हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, उनके काम से मैं बहुत प्रभावित हुआ, जबकि उनका काम बहुत ही अलग अलग विधा में है, लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छा लगता था उनके कलर्स, और उन्होंने लैंडस्केप किया, म्यूरल किया और बहुत सारी अलग अलग तरीके का काम किया, वो कहीं बंधे नहीं नज़र आए मुझे, तो वो स्वतंत्रता मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनके काम में। आफ्टर देन प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप, उसमें जितने आर्टिस्ट हैं उन्होंने किस तरह से उनकी जो एनर्जी है वो मुझे बहुत इंस्पायर की, कि अच्छा इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और अपना अपना काम किस तरह से वो लोगों के सामने एक ग्रुप बना के उसको किस तरह से आगे बढ़ाए, तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा। और इंस्पायरिंग अन्य भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कोई कवि किस तरह से कविता लिख रहा है उस तरह से मैं अपने चित्र बना सकता हूँ क्या, वो बहुत इंस्पायरिंग लगता है मुझे। कोई कवि लिख रहा है तो मैं जब उसको पढ़ता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं इस तरह से चित्र बना सकता हूँ क्या, वो मैं इंस्पायर भी करता है मुझे और मैं खुद भी चैलेंज लेता हूँ कि अच्छा इस तरह से मैं सोच सकता हूँ क्या। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इंस्पायर करती हैं। नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई पेड़ पौधा किस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो जो प्रोसेस है नेचर में कि हाँ आज पानी यहाँ पे लगा है, पानी हट गया, फिर पानी आ गया, फिर पानी चला गया, तो वो जो लेयर्स बनते हैं तो वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग। तो नेचर से भी मैं उतना इंस्पायर रहता हूँ जितना मैं मनुष्यों से, मनुष्यों का जो कार्य है उससे इंस्पायर रहता हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं प्रकृति से भी बहुत इंस्पायर रहता हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और डेली कुछ ना कुछ सीखने वाली चीज़ें होती रहती हैं। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो जो आज के समय में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा अभी मैं फोकस रहता हूँ कि अच्छा अभी जैसे क्या होता है कि बारिश जब नहीं होना है तब बारिश हो रहा है, जब होना है तब नहीं हो रहा है, तो उस समय का जो परिवर्तन हो रहा है, जबकि ये चैलेंजिंग है हमारे लिए जलवायु परिवर्तन, लेकिन कभी कभी ना मुझे उसमें भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं कि अच्छा जो सूखा है उस सूखे का जो टेक्सचर होता है, फिर कभी बारिश नहीं है, बारिश नहीं होनी है, सूखा पड़ा हुआ है लेकिन अचानक से बारिश हो गया, तो उस समय का जो महक है और जो लेयर्स बनते हैं, जो टेक्सचर बनते हैं, उसको मैं अपने कामों में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसको मैं किस तरह से एक नए तरीके से लोगों के सामने लाऊँ उसकी कोशिश कर रहा हूँ। तो उस पर मेरा एक काम चल रहा है अभी और उसको मैं
एक सोलो शो के रूप में जल्दी ही सामने लाने वाला हूँ, तो उस पर अभी मेरा काम चल रहा है। जैसे कि मैं एक छोटे शहर से और गांव से भी बिलोंग करता हूँ, तो जो गांव में जो हमारा बचपन बीता है जिस तरह से, जैसे हम लोग आज के समय में इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें आजकल के लोगों को और हमें भी बांधे रखती है। लेकिन जब हमने अपना बचपन बिताया और जैसे जैसे हम बड़े हुए, तो हमने जिस तरह से ज़िंदगी जी, तो उसमें हम सब लोग एक दूसरे से मिलते थे। जैसे मेरी नानी मुझे बहुत कहानियाँ सुनाती थी, मेरी दादी मुझसे बातें करती थी, तो वो जो चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, अब वो जाके कहीं ना कहीं मेरे चित्रों में आते हैं। और उसको मैं किस तरह से लेके आऊं, क्योंकि जब मैं सोचता हूँ वो सारी चीज़ें, तो फिर मुझे लगता है कि उस चीज़ को कैसे मैं अपने चित्रों में लेके आऊं अपनी तरह से, ना कि फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट ये सब अलग चीज़ है, लेकिन एक अपनापन कैसे आए मेरे चित्रों में, मेरा खुद का। तो उसकी कोशिश रहती है कि वो जो फील है, वो जो अर्क है, एसेंस, उसको मैं किस तरह से अपने चित्रों में लेके आऊं। क्योंकि जब आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो एक अलग चैलेंज रहता है, आप डेली बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का मतलब संघर्ष का सामना करते हैं, क्योंकि आप अगर एक युवा कलाकार हैं तो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और उस चैलेंज में, उस संघर्ष में आप किस तरह से अपने आप को बचा के रख पाते हैं चीज़ों से, जैसे कि आपको महीने का हर एक चीज़ देखना है, खाना है, पीना है, रहना है, उसमें चित्र भी बनाने हैं, और उसमें आप बेईमानी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसमें बेईमानी करेंगे तो फिर मेरा मानना है कि कहीं ना चित्र बनेंगे ना कहीं आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत एक साफ़ सुथरी जगह है जहाँ पे आप आते हो तो आप अपने आप को मतलब आप पारदर्शिता के साथ आइए। तो आज के समय में अपने आप को एज ए आर्टिस्ट बचा के रख पाना, एक युवा आर्टिस्ट, युवा कलाकार की तरह दिल्ली जैसी जगह पे बचा के रख पाना, ये मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता है। क्योंकि प्रोफेशनली देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मार्केटिंग है एक, हाँ एक तरह का पॉलिटिक्स भी देखा जाए तो वो भी है। जब आप बहुत जगह जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने को सुनने को मिलती हैं, तो उसमें भी रह के, क्योंकि आपको तो रहना सबके बीच में, आप सिर्फ एक चार दीवार के बीच में रह के तो काम नहीं कर सकते ना, कि आपको बाहर भी जाना है। हाँ आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फिर भी आपको बाहर जाना है, तो बाहर जाके जिस तरीके का चैलेंज देखने को मिलता है, उसमें अपने आप को बचा के रख पाना बहुत ही मुझे चैलेंजिंग लगता है आज के समय में। और जब मैं चित्र बनाता हूँ, क्योंकि इतने सारी चीज़ें हैं, उसको जब मैं चित्र बनाता हूँ तो इतना ओवरलोडेड हो जाता है दिमाग कभी कभी, कि जब मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, स्टार्ट तो कर दिया, छोड़ना कहाँ है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इतने सारी चीज़ें दिमाग में है, तो उसको मैं जब निकाल रहा हूँ तो कभी कभी चित्र इतने भर जाते हैं कि लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। लेकिन उसके बाद से ये एक प्रैक्टिस का वो है कि धीरे धीरे लगता है कि अच्छा अब छोड़ना सीखना होगा, करना तो अलग बात है, लेकिन मुझे छोड़ना कहाँ है ये सीखना ज़रूरी है, ना कि करना तो हम स्टार्ट कर देते हैं, हम छोड़ने पे फोकस करें कि हाँ अब बस, लेकिन वो करने में ही मेरा ये अपना मानना है कि बहुत ही चैलेंजिंग है आज के समय में और ऐसी जगह पे रह के। हाँ कुछ अच्छे लोग हैं जिनका सानिध्य मिलता रहा है हमेशा से, जो कि जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अच्छे जगह हैं जहाँ पे हम जाते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, गैलरीज हैं जहाँ पे हम जाके अच्छे शोज देख पाते हैं, कुछ ऐसी ऐसी गैलरियाँ हैं, और कभी कभी नाटक देख लेते हैं तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हूँ जाके वहाँ पे। उसके बाद से कथक डांस वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ें जब देख लो, लेकिन उसके बाद भी आप जब, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने चित्र बना रहे हैं तो उसमें
आप उस समय सब कुछ भूल के अपना करिए, क्योंकि इतने सब कुछ हो चुका है, उसमें आपको अपना देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये बड़ा चैलेंज हो जाता है कि अपने आप को बचा के कैसे रखा जाए। अगर आप अपने आप को बचा लेते हैं तो चित्र भी अच्छे बनेंगे, फिर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है। यंग आर्टिस्ट के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर उनको बाहर निकलना है, अगर उनको लगता है कि उनको आर्ट करना है, तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि आज के समय में, जब हम निकले थे तो उस समय तो अभी सोशल मीडिया का वो दौर नहीं था जो आज के समय में है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप गूगल कर सकते हो और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ऑन पेपर ये बात कर रहा हूँ मैं, कि आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, कर सकते हो, कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या क्या है। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप देख सकते हो। लेकिन उसके बाद जब आप बाहर निकलते हो, क्योंकि ये देख लेना तो आज के समय में आसान हो गया, लेकिन आप जब बाहर निकलते हो तो एक नया चैलेंज आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, और इसके लिए आप मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर होके ही निकले अगर आपको आर्ट करना है। हाँ, आर्टिस्ट बनना है तो अलग बात है, लेकिन आर्ट करके आप जॉब भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप किस लिए बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद, बीएफए एमएफए करने के बाद, आप चाहे तो नौकरी भी तुरंत आराम से कर सकते हैं, अगर आप उतना इच्छुक हैं, आप तैयारी करिए। लेकिन अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको मानसिक रूप से एक बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनली, मुझे मेरा अपना मानना है कि इमोशनली जितना आर्ट है, जितना इमोशन भरा हुआ आर्ट में, उतना ही चैलेंज है, वो अलग रूप का चैलेंज है। सबके जीवन का अलग चैलेंज है, मेरे जीवन का अपना अलग चैलेंज है, आपके जीवन का अलग होगा। तो उसके लिए आप तैयार होके आइए कि आपका चैलेंज कैसा रहेगा आर्ट फील्ड में, अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हैं। क्योंकि सबसे अच्छे लोग भी टकराते हैं, बुरे लोग भी टकराते हैं, तो उसको फेस करना आपकी जिम्मेदारी है। उससे आप कैसे बचेंगे, कैसे आप उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये हर तरह के लोग आपको बाहर मिलेंगे। क्योंकि छोटे शहरों में क्या होता है कि सभी लोग एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, लेकिन बड़ा शहर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब इनपर्सनल होता है। मतलब लोग अभी मिले फिर हाँ अपनी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। ये मैं उनका वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें उनकी मजबूरियाँ भी होती हैं और ये शहर की मजबूरी है। तो इसके लिए आप तैयार होके आइए कि किस तरह से आप इस चीज़ को टैकल करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि जो भी है वो आए और काम करे। आज के समय में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप रह के काम कर सकते हैं, बाकी आपकी मेहनत। कला मेरे लिए बहुत एक सुखद अनुभव है। जब मैं शुरू किया था कला, तो उस समय मैं सिर्फ चित्र बनाता था, लेकिन करते करते ये एहसास हुआ कि सिर्फ चित्र नहीं बनाने हैं, कलाकार होना एक जिम्मेदारी भी है। हम सिर्फ चित्र नहीं बना सकते कि हाँ हम चित्र बनाए जा रहे हैं, हाँ मेरे पास स्किल है तो मैं ऐसे बना लिया वैसे बना लिया, ये अपना एक जगह है। लेकिन कला मेरे लिए है कि कलाकार की एक यात्रा होती है, और जब आप चित्र बना रहे हैं तो एक चित्रकार की अलग जिम्मेदारी होती है। ये मुझे महसूस कब हुआ, जब मैं कॉलेज में, तो हम चित्र बनाते थे क्योंकि दिखाना था, क्लास में टीचर्स का प्रेशर होता है और एक वो भी रहता है कि अरे यार ये करना है, मार्क मतलब नंबर आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी, वो अलग पहलू है। लेकिन मैं जब पास आउट होके बाहर आया तो मुझे एहसास हुआ कि चित्र, सिर्फ चित्र बनाना है ऐसा एक काम नहीं है, एक हमारी जिम्मेदारी है सामाजिक रूप से भी, कि हम इसको लोगों के सामने ले जा रहे हैं, हमारा चित्र लोगों पे क्या प्रभाव छोड़ेगा, ये भी हमारी एज अ कलाकार जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हम सिर्फ चित्र बना रहे, तो कला मेरे लिए एक ये पहलू है। दूसरा ये कि कला में मैं बहुत ही
स्वतंत्र रहता हूँ उस समय। जब मैं चित्र बनाता हूँ तो शायद मैं उस समय बहुत सारे चीज़ें भूल भी जाता हूँ, शायद कई बार लापरवाही में खाना भूल जाता हूँ, बहुत सारी चीज़, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो सुख है वो कला मेरे लिए, और कला के माध्यम से मैं बहुत सारी जगह घूमना ये सब चीज़ कर पाया, और घूमने का मौका मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, घूमना फिरना ये सारी चीज़ें, लोगों से बात करना संवाद करना मुझे बहुत पसंद है, नए नए लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद है। तो इसका कला एक जरिया भी बन जाता है कि अच्छा मैं आज इनसे मिल पाया, उनसे मिल पाया, ये सारी चीज़ें। तो कला मेरे लिए एक ये भी पहलू है कि हाँ, इसकी वजह से मैं बहुत जगह घूम पाया, और आगे भी मैं जो है मतलब लगता है ऐसा कि इसी की वजह से मैं बहुत कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि ये क्योंकि एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में मुझे बहुत सारी मेरी पॉसिबिलिटीज है कि इसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, समाज के लिए भी, कला के लिए भी, कलाकारों के लिए भी। अगर मैं उस तरह से कर पाया तो मेरा अब वो मेरा अपना है कि मैं कितना कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें तो पूरा आसमान खुला है। तो कला मेरे लिए ये है। मैं जब पहली बार इसे देखा तो मैं पहली बार इसको शायद यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखा था, तो तब मैं इसके बारे में जानता नहीं था, लेकिन मुझे ना ये एक बहुत ही पॉजिटिव चैनल लगा कि अच्छा यार, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो हम लोग का अभी अपना एक देखना है। तो इसका जो सेटअप था, बात करने का तरीका था, ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया। फिर मैंने एक दो प्रोग्राम देखे तो उसमें जिस तरह से आर्ट पे बात हुआ, सीनियर्स बैठते थे, आर्ट पे बात करते थे, तो वो सुन के बहुत ही अच्छा लगता था। तो एक उत्सुकता से ये रहने लगी कि नया प्रोग्राम कब आएगा, क्यों, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म आज के समय में कम है। आज के समय में जिस तरह से दुनिया भाग रही है, शॉर्ट चीज़ें चल रही हैं, शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें, हाँ कि ये सारी चीज़ें, तो आर्ट पे बात करना और इतने विस्तृत तरीके से बात करना और उसको सुनना, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा चायबेरी का। और ये मंच जिस तरीके से है, जैसे मैं अभी मुझे मौका मिला, तो इसके लिए मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ चायबेरी प्लेटफॉर्म का कि मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। और जैसे मैं यहाँ पे सीनियर्स को सुना, जो सीनियर कलाकार हैं, और उनका जो जीवन है, किस तरह से उन लोगों ने काम किया, क्या क्या चीज़ें किया है, तो आज के समय में ऐसा प्लेटफॉर्म आर्ट के लिए बहुत कम है। तो चायबेरी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चायबेरी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात शायद सुनी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कुछ अंश आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, और आप लोग अपने आप से रिलेट कर पाए होंगे कुछ चीज़ें। और क्योंकि मेरा अभी तो कला यात्रा बहुत ही छोटा है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि कलाकार की यात्रा एक लंबी यात्रा होती है, तो चायबेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आज के समय में इतने सुंदर तरीके से कला के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, आप तक पहुँचा रही हैं। तो कला रसिकों से, कला पाठकों से सबसे निवेदन है, और यंग बच्चों से, खासकर कॉलेज में जो हैं और उन लोगों से, क्योंकि मैंने भी जब ये देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने बिना किसी से पूछे लाइक और सब्सक्राइब किया था। आज का समय ऐसा है, टेक्निकल चीज़ें ऐसी आ गई हैं, सारी चीज़ें ऐसा है कि आपको सब्सक्राइब करके ये सब चीज़ें, बेल घंटी होता है कि सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी बजाए, तो इसलिए आप तक अच्छी चीज़ें पहुँचे। तो चायबेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप तक अलग अलग, जैसे मैं चित्रकार हूँ, कोई प्रिंट मेकर है, कोई स्कल्प्टर है, कोई नाटक करता है, कोई थिएटर करता है, और कोई कविता पाठ करता है, तो सब चीज़ आप तक बहुत इजीली इस प्लेटफॉर्म से पहुँच पाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि इसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दूसरों से भी ये चीज़ साझा करें। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसको साझा करें, अन्यथा अन्य का किसी का अच्छा लगा तो उसको भी साझा करें। बिना साझा किए आज के समय में हम अपने कला को किस तरह से दिखा पाएंगे, ये
मुझे मुमकिन नहीं लगता है। तो इसको कृपया जरूर जरूर, खासकर युवा कलाकार, इसको जरूर लाइक करें, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद।